हेलो फ्रेंड्स, हाय। आज मैं मसालेदार आलू बैंगन बनाने जा रही हूँ। इसके इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं। सबसे पहले हम आलू और बैंगन को फ्राई करेंगे। उसके लिए मैंने कढ़ाई में तेल डाला है और आलू को फ्राई कर लेंगे। इसको हम सुनहरा होने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए फ्राई हो गया। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब इसी तरीके से हम इसी तेल में बैंगन को भी फ्राई करेंगे। बैंगन को ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, इसे 70-80% ही हम फ्राई करेंगे। बाकी ये मसालों के साथ सॉफ्ट होगा और अच्छे से भुनेगा। अब हम इन बैंगनों को निकालेंगे। ये देखिए ये रेडी है। अब हम इसके मसाले को रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने कढ़ाई में तेल लिया है। अब इसमें हम जीरा डालेंगे, तेज़पत्ता डालेंगे दो, लाल मिर्च और दो टुकड़ा दालचीनी का और दो हरी मिर्च को भी मैंने काट के डाला है। इसमें एक कप प्याज डालेंगे और इसे 2-3 मिनट के लिए गुलाबी होने तक भूनेंगे। अब इसमें हम 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसे भी हम भूनेंगे 2-3 मिनट के लिए, जब तक कि लहसुन का कच्चापन ना निकल जाए। अब इसमें टमाटर प्यूरी डालेंगे 1 कप। इसे भी भूनेंगे 2-3 मिनट के लिए। अब इसमें हम सूखे मसाले डालेंगे। धनिया पाउडर 2 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 2 चम्मच, देगी मिर्च पाउडर 1-2 चम्मच के करीब। इससे बहुत अच्छा कलर आता है सब्ज़ी में, नमक स्वाद अनुसार। अब इन सबको हम भूनेंगे तेल छोड़ने तक। अब इसमें हम ये फ्राई किए हुए आलू और बैंगन डाल देंगे। अब इसे भी भूनेंगे और ढक के 10-15 मिनट के लिए पकने देंगे। ये देखिए ये बैंगन और आलू मसालों के साथ अच्छे से मिल गया है। अब इसमें हम गरम मसाला डालेंगे 1/2 चम्मच और कस्तूरी मेथी। अब इसे भी मिलाएंगे और इसे भी भूनेंगे 2-3 मिनट के लिए। इस तरीके से आप ये सब्ज़ी बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी बनता है। अब हम इसमें कटी हुई हरी धनिया पत्ती भी मिलाएंगे। धनिया पत्ती देने से भी सब्ज़ी का स्वाद बहुत बढ़ जाता है। अब इसे हम ढक देंगे। अब इसे हम 2-3 मिनट के लिए पकने देंगे। ये देखिए ये पानी छोड़ने लगा सब्ज़ी। आपको अगर ग्रेवी वाली सब्ज़ी चाहिए तो आप इसमें पानी डाल सकती हैं। मैंने यहाँ भुना हुआ सब्ज़ी ही रखा है और ये सब्ज़ी रेडी है। अभी इसे हम सर्व करेंगे और हरी धनिया पत्ती से गार्निश करेंगे। मेरी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू। इन्जॉय।